तो दोस्तों HCL Tech ने आज अपने क्वार्टर 1 FY23 के नंबर अनाउंस कर दिए हैं। रिजल्ट को एक बार डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि कंपनी ने ₹10 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई तक अगर ये शेयर आपके डीमैट में क्रेडिट होता है, बाई और सेल से मतलब नहीं है, डीमैट में क्रेडिट होना चाहिए 20 जुलाई तक, तो ही आप डिविडेंड के लिए वहां पर एलिजिबल होंगे। यहां पर अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं, शेयर आपके पास हैं, तो ये डिविडेंड अमाउंट जो है तो 2 अगस्त तक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस पर। यहां पे है क्वार्टर 1 FY23 यानी जून 2022, ये है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, यानी कि YOY बेसिस पर कंपैरिजन किया जाएगा, और ये है लास्ट क्वार्टर, माफ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर की बात करें यानी कि Q4 FY22। सारे नंबर्स यहाँ पे करोड़ में दिए हुए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 3.5% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और YOY भी कंपनी ने रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ऑलमोस्ट 17% की है। बट यहाँ पर अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी उतनी ही तेजी में ग्रोथ हमें देखने को मिली है, और अगर हम रेवेन्यू में एक्सपेंस और टैक्स को घटा दें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता है 3,322 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में 3,912 करोड़ रुपए था। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर इनके नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं। ऑल्दो यहां पे रेवेन्यू कंपनी के बढ़े थे ईयर ऑन ईयर, बट यहां पे प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं, जो कि 3,694 करोड़ पिछले साल सेम क्वार्टर में थे। ये चीज़ बता रहा है कि कंपनी अभी भी एट्रिशन रेट, ट्रेवल एक्सपेंस जैसे खर्चों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और ये सारे खर्चे को स्टेबलाइज करने में हो सकता है कि फर्दर 2-3 क्वार्टर और लगे। इनफैक्ट अगर हम मार्केट लीडर TCS की बात करें तो वो भी एट्रिशन रेट से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जो कि पिछले साल 9% के आसपास हुआ करता था, फिलहाल 19% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और इन्होंने इनके मार्जिन को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर किया है। आगे हम मार्जिन का भी बात करेंगे, कैसे रहे कंपनी के मार्जिन। कंपनी की अगर हम डील्स के बारे में बात करें, लगभग 2000 मिलियन यूएस डॉलर की न्यू डील्स है कंपनी के पास, और अगर YOY बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो डील्स में लगभग 23% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ये ग्रोथ अगर कंटिन्यू रही तो मान के चलिए कि सेम ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है लगभग 20% के आसपास, और अगर एक्सपेंस इनके बढ़े तो प्रॉफिट भी लगभग 5-10% की ग्रोथ में आपको YOY बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है न्यू डील्स का, और इससे फोरकास्ट किया जाता है कि कंपनी की आगे आने वाले समय में परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। यहाँ पर अगर हम क्लाइंट एडिशन की बात करें तो लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर के इनके पास क्लाइंट्स, लगभग 3 क्लाइंट्स इस बार मिले हैं YOY बेसिस पर, तो क्लाइंट एडिशन भी काफ़ी अच्छा रहा है। हेड काउंट की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि लगभग 19.5% का YOY बेसिस में इनके हेड काउंट में ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि इनके पास डील्स काफ़ी अच्छी हैं। कंपनी के अगर कैश फ्लो की बात करें तो नेट इनकम का लगभग 112% 98% का कैश फ्लो है, तो यानी कि कंपनी सिर्फ ऑन पेपर पर नंबर प्रॉफिट पोस्ट नहीं कर रही है, वो कैश भी जनरेट कर रही है। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात किया जाए तो मैनेजमेंट का कहना है कि 12-14% का यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मार्जिन भी कंपनी के लगभग 18-20% इस साल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि कंपेरेटिव परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक तो मार्केट लीडर कैसा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन कैसी थी। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट CNBC पोल ने बोला था 3,297 करोड़, इन द लाइन प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 23,410 करोड़ एक्सपेक्टेशन था, 23,464 करोड़ के रेवेन्यू है, तो वो भी इन द लाइन है जैसा मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। मार्जिन की बात करें तो 17.6% का यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था मार्केट के द्वारा, लेकिन इनके मार्जिन निकल के आए हैं 17% के, तो मार्जिन थोड़े से वहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं। वहीं ईटी नाउ के हिसाब से भी बात किया जाए तो रेवेन्यू इन द लाइन देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट भी आपको इन द लाइन देखने को मिलेंगे, मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुए हैं, इन्होंने भी 17.5% का मार्जिन एक्सपेक्ट किया था। डील्स काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मार्केट के हिसाब से यहाँ पे नंबर हमें इन द लाइन देखने को मिले हैं, लेकिन मार्केट लीडर के से अगर कंपेयर किया जाए जैसा मार्केट लीडर का परफॉर्मेंस था, आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में YOY बेसिस में 16% की ग्रोथ थी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% की। यहाँ पे अगर इनके रेवेन्यू में देखा जाए तो 3.8% और YOY बेसिस 16.9%, यानी कि रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो TCS और HCL में आपको एक जैसी ही देखने को मिलेगी। EBITDA की बात किया जाए तो
यहाँ पे एबिटा टीसीएस के 6% वाईओवाई बेसिस पर बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% से डिक्लाइन है। यहाँ डिक्लाइन उतना ज़्यादा नहीं है, 1.5% का है, लेकिन वाईओवाई बेसिस पर एबिटा डिक्लाइन हुए हैं, जबकि यहाँ 6% से बढ़े हुए थे। पैट की अगर बात किया जाए तो 5% का ग्रोथ वाईओवाई बेसिस पर है, तो यहाँ सिर्फ 2.4% का, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से डिक्लाइन हुए हैं, तो यहाँ लगभग 9% से डिक्लाइन देखने को मिले हैं। मार्जिन की बात किया जाए तो टीसीएस के मार्जिन भी 29% के हुआ करते थे, लास्ट ईयर की बात करें डिक्लाइन होकर 25% हुए हैं। एससीएल टेक के भी मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं और वो डिक्लाइन होकर लगभग 21% के आसपास गए हैं। यहाँ पे मैं एबिट्टा मार्जिन की बात कर रहा हूँ, ना कि एबिट मार्जिन की, तो 21% के आसपास हैं, और ये मार्जिन जो हैं तो ये डिक्लाइन हुए हैं कहीं ना कहीं एट्रिशन रेट और एक्सपेंस जो कंपनी के बढ़े हुए हैं उसकी वजह से। अब अगर मार्केट लीडर के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू में ग्रोथ जो है सही सही हमें देखने को मिली है, लेकिन कंपनी अपने एक्सपेंस और एट्रिशन रेट को उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाई है जितना अच्छा टीसीएस ने मैनेज किया है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। ऑल्दो टीसीएस के नंबर भी डाउन हुए हैं, नो डाउट वो उतना अच्छा नहीं मैनेज किए हैं, बट हाँ एससीएल टेक के कंपेरिजन में उन्होंने अपने एक्सपेंस को काफ़ी अच्छा मैनेज किया है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे नंबर जो हैं हमें एससीएल टेक से थोड़े ठीक देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर की, तो कल इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है फर्दर। इसका बेहतरीन सपोर्ट जो है वो लगभग 900 पर है, 900 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मैं समझता हूँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है 800 और 900 के जो सपोर्ट हैं। स्टॉक इन लेवल्स पर जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे आने वाले क्वार्टर में भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनके नंबर्स इतने जल्दी इंप्रूव होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, प्लस रिसेशन जो है तो वो एक अलग ही समस्या हमारे सामने बनी हुई है। ये स्टॉक मुझे स्पेशली ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपने अभी रेवेन्यू में गाइडेंस की ग्रोथ देखी है लगभग 14% के आसपास, एबिट मार्जिन ये लगभग 18-20% के आसपास कर रहे हैं, यही ग्रोथ आपको इनके ईपीएस में भी देखने को मिल सकती है, ऑलमोस्ट 10% तो मान के चल सकते हैं, और ये रिफ्लेक्शन आपको इनके स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। एडिशनली मुझे इस स्टॉक में अच्छी चीज़ें लगती हैं जो ये 3% का डिविडेंड देते हैं, अभी लगभग ऑलमोस्ट 1% का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है जो कि 10 रुपये का है, और नेक्स्ट सेकेंड क्वार्टर और यूजली थर्ड क्वार्टर में ये देते हैं जो कि इन्होंने पिछली बार भी दिया था, 10 रुपये, 10 रुपये और 6 रुपये का डिविडेंड, यानी टोटल 26 रुपये, और ये 900 के हिसाब से अगर देखेंगे जो कि करंट मार्केट प्राइस चल रही, तो वहां से लगभग 3% के आसपास होता है, 9 × 3 दैट इज 27, ऑलमोस्ट 3%। तो कंपनी की ग्रोथ ऑल एंड ऑल देखा जाए तो ठीक ठाक हमें देखने को मिलती है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड देती है, और यही रीज़न है कि ये मैंने भी इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ। और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को पहचानते कैसे हैं। देखिए मैं बात करूं अगर डीमार्ट की, डीमार्ट को मैंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया है, तब भी सपोर्ट किया था जब उसके क्वार्टरली नंबर बुरे आए थे, स्टॉक में भारी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन देखिए उसके आप अगर ग्रोथ देखेंगे, स्टोर्स की ग्रोथ आप अगर देखेंगे, किस तरीके से वो अपना जो है तो बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आपका कन्विक्शन जाएगा उस स्टॉक में। और अभी आप देखिए Q1 FY23 की अगर हम बात करें, डीमार्ट ने शानदार नंबर दिए हैं और अच्छी तेजी हमें उस स्टॉक में देखने को मिली है। सेम स्टोरी HUL की है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है 2000 के लेवल के आसपास रिकमेंड किया था, बहुत बेहतरीन लेवल हैं। आज देखिए स्टॉक जो है 2500 के आसपास है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक को पहचानना शुरू कर लिया, और पहचानेंगे कैसे, जब आप उसके बिजनेस को समझेंगे। सेम स्टोरी आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मुझे एससीएल टेक में भी वही स्टोरी समझ में आती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, और यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब अच्छे स्टॉक को अंडर प्रेशर लिया जाए, क्योंकि जब टेलविंड्स आएंगे, अभी हेडविंड्स हैं डेफिनेटली, एट्रिशन रेट है, एक्सपेंस काफ़ी वहाँ पे बढ़ रहे हैं, रिसेशन की एक समस्या है, इन्फ्लेशन है, तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं, तो डेफिनेटली अभी हेडविंड्स है, लेकिन जब टेलविंड्स आएंगे तो यही सारे स्टॉक का ईपीएस ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा, और आप जब नीचे के लेवल्स में लेंगे तो आप उसमें एक बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।